दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी कहानी जिनसेन का अज्ञात मंदिर और नंदों का खजाना अभी तक 4 भाग हो चुके हैं और आपने जाना कि किस प्रकार से पिशाचिनियों का आतंक इतनी तीव्रता से और उनकी माया इतनी तीव्रता से बढ़ी कि उन्होंने लगभग 1000 से भी ज़्यादा सैनिकों का वध कर दिया था। उनके वध के कारण राजा भी परेशान हो गया था और उसने आज्ञा दी थी कि जहाँ भी हो सके तांत्रिकों को बुलाया जाए, क्योंकि अंदर लगता है कोई तंत्र का प्रयोग किया जा रहा है जिसकी वजह से हमारी सेना वापस नहीं आ रही, और जो लोग बच के आए भी हैं उसमें केवल एक मात्र है जो केवल उस द्वार पर खड़ा था जहाँ वो गुफा स्थित थी, और उसका कहना है कि अंदर जाने वाले वापस नहीं आ रहे हैं। इधर राजा के सैनिक दौड़ गए और उन्होंने राज्य के सभी प्रकार के तांत्रिकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इधर तांत्रिक कृतिका का पिशाच उसके पास आ जाता है और कृतिका को होश आ गया होता है। वो उससे बात करती है और एक गोपनीय मार्ग उसे बताती है। कृतिका जानती थी कि इस प्रकार से यहाँ से निकलना संभव नहीं है, इतनी बड़ी सेना से उलझना उसके लिए संभव नहीं है और उस पर तो स्पेशल इस बात के लिए ध्यान दिया जा रहा है। इसी वजह से उसने अपने पिशाच को आज्ञा दी कि जाओ और जाकर के पिशाचिनियों से बात करो, अवश्य ही उनको मेरा ये संदेश तुम देना जिसके कारण से वो तुम्हारी बात को अवश्य ही सुनेंगी। पिशाच वहाँ से उड़ा और जाकर के पिशाचिनियों की रानी के पास जाके खड़ा हो गया। पिशाचिनियाँ उसे देखकर पहले ही समझ गईं और कहने लगी, हमारी ही जाति का एक पिशाच अंदर आया है। तो उनकी रानी ने कहा, उसे लाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो यहाँ क्यों आया है। पिशाच की बातों को सुनकर के वहाँ की पिशाचिनियों की जो रानी थी वो हंसने लगी और उसने कहा, यहाँ पर हमें इस बात के लिए ही नियुक्त किया गया है कि हमें खजाने की रक्षा करनी है, और तुमको आश्चर्य होगा कि अब हमको कोई भी नहीं रोक सकता है। इसका कारण तुम लोग जान चुके हो, यहाँ पर 1000 से ज़्यादा मनुष्यों की बलि मैं दे चुकी हूँ, वो भी उन्होंने अपनी इच्छा से ही अपने आप को हमारे हवाले किया, हमारी काम शक्ति से पराजित होकर के उनका यहाँ पर अंत हो गया है, इसलिए अब यह खजाना संसार में कोई नहीं ले सकता है। इस पर उसने कृतिका की कही हुई बात को समझा। तब पिशाचिनियों ने कहा, ठीक है, हम नहीं चाहते कि हम सभी प्रकार की शक्तियों से उलझें। कृतिका के साथ में मुझे यकीन है कोई ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से हमसे खजाना लिया जा सकता है, इसलिए मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो और कुछ भाग मैं तुम्हें स्वयं देती हूँ, यह भाग तुम उस कृतिका नाम की तांत्रिका को दे देना और उससे कहना कि उसके साथ जो पुरुष है उसको यहाँ लेकर के ना आए, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा, अंत तो गत्वा केवल एक ही बचेगा और वह होगा भानुदेव। हम इस तंत्र से बंधी हैं इसलिए अपनी जान का भी भय नहीं खाती हैं, और इसी कारण से हम कृतिका का भी वध कर देंगी, तुम्हारा भी वध कर देंगी और राजा का भी सरमूल नाश हो जाएगा। इस पर वह पिशाच बोलने लगा, शायद तुम नहीं जानती हो कृतिका बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और राजा ने भी आज्ञा दे दी है कि वो पूरे नगर में स्थित जितने भी तांत्रिक हैं उनको सबको बुला लाया जाए। अब तुम उन सब से कैसे और किस प्रकार से विजय प्राप्त करोगे? तब उस रानी ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो क्योंकि जो काम हमें करना था वो हो चुका है, लगभग 1008 मनुष्यों की ही मुझे बलि देनी है, उसके बाद यह खजाना हमारी इच्छा के बिना कोई नहीं ले जा सकेगा। पिशाच कुछ समझा और वहाँ से उड़ लिया। उसने यह बात जाकर के कृतिका को बताई। कृतिका ने कहा, मुझे लगता है कि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक सच में देर हो जाएगी, इसलिए
अपने मन की भाषा से तुम वहाँ यह संकेत पहुँचा दो कि हमें जितना भी देना हो वह अलग रख दे और बाकी उसकी इच्छा कि वो उसका क्या करना चाहती है हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास राजा भी हमारे पक्ष में नहीं है और ना ही हमारे साथ और कोई पक्ष में है। इसके कारण से अब हमारे पास बहुत ही बड़ी एक समस्या आ चुकी है। इसी वजह से अब हमको कुछ ना कुछ अलग तरह से सोचना होगा। दादी कृतिका ने कहा, ऐसा करो, तुम मनुष्य रूप धारण कर राजा के पास जाओ और उसे कहो कि कृतिका को आज़ाद कर दे, क्योंकि कृतिका के बिना किसी भी प्रकार से कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं है। पिशाच ने कहा, ठीक है, मैं सशरीर मनुष्य का रूप धारण करके उसके पास जाता हूँ और उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। कृतिका की इस प्रकार से कहने पर और इस काम के लिए तैयार होने के लिए उसने जिस प्रकार से कहा, उस बात को समझ करके एक गोपनीय तरीके का एक मायाजाल रचा गया। उस मायाजाल का इस प्रकार का प्रभाव पड़ा कि अब राजा पूरी तरह से वशीकृत हो सकता था। सबसे पहले तांत्रिक कृतिका के बताए गए तरीके को लेकर के एक वृद्ध आदमी का रूप लेकर के पिशाच राजा के पास पहुंचा और राजा को पान अर्पण किया। राजा ने कहा कि यह पान मुझे क्यों दे रहे हो? तब उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, यह अति शुभ पान है, इसको खा लेने के बाद में आपके मन में पूरी तरह से एक ताजगी सी आ जाएगी, साथ ही साथ आपके जो भी दुर्भाग्य आपको आपका संकट बना हुआ है उसके लिए मार्ग खुलेगा। राजा ने वो पान खाया और सच में उस पान को खा करके उसका मन प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया, क्योंकि वह एक तांत्रिक पान था जो कृतिका ने अपने इस पिशाच को दिया था। पिशाच ने अब आगे उस वृद्ध के रूप में बोलकर अपनी बात को रखा। वो कहने लगा, हे राजा, तूने एक तांत्रिका है जिसका नाम है कृतिका, उसको अपने पास कैद कर रखा है, उससे मुझे मिलवा दे। वह खजाने निकलवाने में बड़ी ही पारंगत है, मेरे घर में भी एक खजाना गड़ा हुआ है और वो उसे निकालने में मेरी मदद करने वाली थी, शायद आपने उसे कैद कर रखा है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उस कृतिका को किसी तरह से आज़ाद कर दें और मेरा कार्य संपन्न होने दें। इस पर राजा ने कहा, क्या सच में कृतिका तुम्हारा कार्य संपन्न करेगी? फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, अवश्य, क्योंकि वह जिसको एक बार अपना वादा कर देती है उस वादे को कभी नहीं डिगती है, वह उस बात को वचन के रूप में ले लेती है। मुझे तो लगता है आपको भी उससे वचन ले लेना चाहिए, आपके भी भविष्य में अगर कोई इस प्रकार के कोई कार्य होंगे तो वो आपके बना सकती है। राजा ने उसकी बात पर विचार किया और कहा, ठीक है, आप जाइए, मैं आपको संदेश भिजवाता हूँ। इस प्रकार वह वृद्ध व्यक्ति वहाँ से चला गया। पिशाच उड़कर के कृतिका के पास गया और उसे कहने लगा कि देवी, मैंने आपका कार्य कर दिया है, निश्चित रूप से अभी राजा के सैनिक आएंगे यहाँ पर और आपसे इस बात के लिए वार्तालाप करेंगे। कृतिका ने कहा, ठीक है। कुछ ही देर बाद एक मुख्य प्रधान राजा का वहाँ पर आ गया और उसने आकर के कृतिका से बात की। उसने कहा, अगर तुम हमारा साथ देने का वचन दो तो अवश्य मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करा दूँगा। कृतिका ने कहा, ठीक है, मैं आपकी सहायता करने का वचन देती हूँ, लेकिन मुझे भी आप आज़ाद करने का वचन दीजिए। इस प्रकार कहने पर वृद्धदिन कहा, ठीक है, मैं भी आपको वचन देता हूँ कि आपको आज़ाद कर दिया जाएगा, आप हमारे कार्य में हमारी सहायता कीजिए। इस प्रकार से तांत्रिक कृतिका को आज़ाद करके राजा के पास लाया गया। कृतिका ने कहा, पुराना सब मैं भूलती हूँ, आप सिर्फ इतना जान लीजिए, खजाना आप किसी भी तांत्रिक के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर कोई सच में वो खजाना प्राप्त कर सकता है वो केवल और केवल मैं हूँ, क्योंकि उसका गोपनीय राज मैं जानती हूँ। राजा ने पूछा कि ठीक है, जो कुछ पुराना हुआ मैं भी उस बात को भूलता हूँ, आपको मैं आज़ाद करता हूँ, आप मेरी मदद कीजिए और साथ ही साथ मैं आपको आप इस राज्य का मुख्य तांत्रिक होने का पद भी दूंगा, साथ ही साथ आपकी जो भी सेवा सत्कार के लिए अनेक प्रकार के सेवक और उनकी आवश्यकता होगी वह भी आपको राज्य की तरफ से दिया जाएगा, आपको ससम्मान राज्य में स्थापित किया जाएगा। कृतिका ने कहा, ठीक है, तो सुनिए,
सबसे पहली बात है कि आप अंदर किसी ऐसे व्यक्ति को ही भेजिए जो साधना क्षेत्र में निपुण हो, अच्छा हो, दिल का साफ हो। ऐसा व्यक्ति ही वहां जाए। और याद रखिएगा, ऐसे 8 मनुष्यों का 8 बार ही भाग लगे, यानी कि ऐसे केवल 8 मनुष्य ही आप वहां भेजिएगा, उससे ज्यादा नहीं। और यह आप पर निर्भर करेगा कि आप क्या उस पर निर्णय लेते हैं। मैं सिर्फ आपकी शुरुआत में इतनी ही सहायता कर सकती हूं। तांत्रिक कृतिका मन ही मन में इस बात से बहुत ही क्रोधित थी कि उसके साथ ऐसा किया गया था। वह राजा को सबक सिखाना चाहती थी। वो जानती थी कि 1000 मनुष्यों की बलि के बाद अगर 8 मनुष्यों की और बलि हो जाती है तो वह संख्या 1008 हो जाती है। पिशाचिनियों को अगर 1008 मनुष्यों की बलि दे दी जाए तो उनके पास अत्यंत ही गोपनीय शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, फिर उनसे जितना संभव नहीं होता है, क्योंकि वह फिर काली कुल में प्रवेश कर जाती है। इसके कारण से वह माँ कालिका का एक अंश प्राप्त कर लेती हैं और इस कारण उनको फिर पराजित करना संभव नहीं होता है। कृतिका ये बात जानती थी, इसलिए वो भी उलझना नहीं चाहती थी। और सिर्फ भानुदेव को भेजने पर कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अगर धन वो निकाल लाता तो सारा धन राजा छीन लेता। इधर बहुत सारे तांत्रिक भी उस नगर के वहां इकट्ठा हो गए। इस प्रकार 8 तांत्रिक चुने गए जो अंदर प्रवेश करने के लिए जाने वाले थे। राजा ने कहा, तुम सबके सब अंदर प्रवेश करो। और कृतिका की सहायता से उस जगह में जो भी तांत्रिक शक्तियां उनको नष्ट करके आओ। इस प्रकार 8 मनुष्य उसके अंदर और प्रवेश कर गए। अंदर जाकर के वह फिर से उसी माया जाल में फंस गए, क्योंकि एक बार फिर की पिशाचिनियों ने वही कहा और वही किया। उसने कहा कि मेरे साथ भोग करो, उसके बाद इस सोने को ले जाओ। उसका माया जाल इतना अधिक तीव्र था क्योंकि अब वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। इसी बीच पीछे पीछे एक तांत्रिक और गुफा में प्रवेश कर गया। वह तांत्रिक बहुत ही शक्तिशाली था और वो कुत्ते के रूप में अंदर उस गुफा के चला गया, वो क्योंकि वो ये जान रहा था कि मनुष्य रूप में जाने में जरूर कोई ना कोई हानि है। जैसे ही वो उसने वहां प्रवेश किया, उसने सारा नजारा देख लिया और भागते हुए वापस आया। 8 की बलि चढ़ चुकी थी, शक्तियां प्रकट हो चुकी थी, पिशाचिनियां बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। तभी इस बात को समझते हुए उसने तुरंत ही, वहां की रानी ने कुछ सोना कृतिका तांत्रिक के पास भेज दिया, क्योंकि वो जान गई थी कि अब भानुदेव आ सकता है। क्योंकि शक्तियों के कारण अब उसमें भी इस बात की समझ आ चुकी थी कि कौन है जो उनसे खजाना खीन सकता है। केवल और केवल ऐसा भानुदेव ही था जो पूर्ण तरह से कौमार्य व्रत का पालन करने वाला था। इसलिए कुछ खजाना तांत्रिक कृतिका के घर पर पहुंचा दिया गया। इसी के साथ तांत्रिक कृतिका ने भी राजा को प्रणाम किया और कहा, मुझे यहां से जाना है, अब आपका मालिक ईश्वर है। राजा ने कहा, ठीक है, तुम यहां से जाओ, लेकिन मेरी सहायता न करने का अपराध का दंड तुमको अवश्य मिलेगा। जल्दी ही मेरे तांत्रिक सारा खजाना लेके आ जाएंगे और तुम देखती रहोगी, फिर मैं तुमसे पूछूंगा। बात बिगड़ गई चुकी थी, इसलिए तांत्रिक कृतिका ने सोचा कि अब यहां से भाग लेना ही आवश्यक है, क्योंकि 108 तांत्रिकों की बलि हो चुकी थी, यानी कि 1000 मनुष्यों की और 8 तांत्रिकों की बलि। इसके बाद अब उनमें ऐसी गोपनीय शक्तियां आ चुकी थी जिनका कोई सामना नहीं कर सकता था। जैसे ही राजा ने सारी बात समझी, उस तांत्रिक के माध्यम से जो कुत्ता बन के अंदर गया था, राजा ने कहा कि तुम सबके सब एक साथ हमला अंदर कर दो और जहां हो वहां आग लगा दो, देखते हैं कि कौन सी पिशाचनी हमें रोक पाती है। सबके सब इसीलिए वहां जाकर भ्रमित हो जा रहे हैं। और हुआ भी इसी प्रकार। राजा के सैनिक तीर चलाते हुए, आग बरसाते हुए, हर जगह आग लगाते हुए, अपने साथ फूस अंदर ले जाकर उसमें आग लगाकर अंदर प्रवेश करने लगे, ताकि कुछ भी अंदर जल के भस्म हो जाए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1008 मनुष्यों को बलि पाकर के सारी पिशाचिनियां एक शरीरवान हो गई। उस पिशाच महापिशाचिनी के 1000 हाथ थे,
यानी कि वो 1000 मनुष्य भी पिशाच बनकर के उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर गए। वहां पर वो पिशाचनी महाशक्तिशाली हो चुकी थी। उस 1000 हाथों वाली महाविशाल पिशाचनी ने अपनी तलवारों से लगभग सारे सैनिकों का वध कर डाला। गुफा का द्वार भी चौड़ा करके वो अंदर से बाहर निकल के आई और वहां मौजूद जितने भी पुरुष और राजा की सेना में मौजूद सेनापति सेनानायक सबके सब यहाँ तक कि घोड़े सब का वध उसने कर दिया। इस महान पिशाचनी को देखकर लगता था जैसे कि माँ काली का अंश उसके अंदर आ गया है। उस प्रकार उसने सभी की बलि ले ली। और पिशाच पिशाचनियाँ इसीलिए बलि भी लेते हैं क्योंकि इनकी बलियों को प्राप्त करके वो और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। जितने भी का भी वो वध कर डालते हैं उन सब की आत्माएं उनके वश में हो जाती हैं। इस प्रकार उस स्थान पर कुछ भी नहीं बचा। पिशाचनी ने भयंकर बवंडर मचाया। उस बवंडर के आधार पे पूरी गुफा और वह क्षेत्र पूरा का पूरा मिट्टी से ढक गया और वह खजाना और वह पिशाचनी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। इधर कृतिका अपने जब घर पर पहुंची तो उसे अपने कमरा सोने से भरा हुआ दिखाई दिया। उस सोने को देख करके वो बहुत खुश हुई और उसने भानुदेव से कहा कि तुम जैसा पुरुष मिलना संभव नहीं है, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? भानुदेव ने प्रार्थना कर उसको हाथ जोड़ते हुए कहा, देवी मैं अपना ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ना चाहता, वैसे भी जब मैं आपके शरीर का उस प्रकार से सेवा कर रहा था तब मैंने आपको अपनी माँ बहन के रूप में ही देखा था, इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए। तांत्रिक कृतिका मुस्कुराई और कहने लगी, सचमुच भानुदेव तुम धन्य हो। इस प्रकार तांत्रिक कृतिका ने एक बार फिर से भानुदेव के पैर छुए। भानुदेव ने कहा, अब मैं अपनी साधना के लिए वापस अपने गुरु के पास जाना चाहता हूँ और इस महानतम खजाने को जब इसका समय आएगा कोई ना कोई ब्रह्मचारी अवश्य ही प्राप्त करेगा। इस प्रकार तांत्रिक कृतिका अपने तंत्र कार्य में विलीन हो गई और इसी तरह भानुदेव अपने साधना क्षेत्र में फिर से चला गया और दोनों ने कुछ कुछ हिस्सा उस सोने का बांट लिया ताकि जीवन सामान्य रूप से अच्छी प्रकार से चल सके। तांत्रिक कृतिका एक महान साधिका हुई और बाद में उसने शक्तिशाली भैरवी का रूप भी धारण किया। योगिनी शक्तियों से वो एक दिन भैरवी बनी, इसी कारण से उसको बहुत ही ज़्यादा लोग मानने लगे। भानुदेव भी महानतम सिद्ध साधक होकर आजीवन ही ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे और अंततोगत्वा ब्रह्मचर्य में ही जीवन व्यतीत करके अंततोगत्वा उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। तो इस प्रकार से वो खजाना आज भी अज्ञात रह गया और केवल भानुदेव के शिष्यों और तांत्रिक कृतिका की शिष्याओं की कहानियों के रूप में वह केवल और केवल आज जीवित है। तो इस प्रकार से आज भी वह खजाना कहीं गंगा नदी के किनारे गड़ा हुआ है और वह नंदों का खजाना जिसने 1008 मनुष्यों की बलि ली थी केवल आज भी वही व्यक्ति उसे निकाल सकता है जो पूरी तरह पूर्ण ब्रह्मचारी जीवन भर रहा। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।